हाय, आई एम डॉक्टर नेहा जोशी और आपका स्वागत है संडे स्पेशल क्लिनिक में, जहां पर मैं आपके सारे सवालों का, जो हफ्ते भर से आपने मुझसे पूछा, उन सारे सवालों का जवाब दूंगी। प्लीज अपना सवाल पूछने से पहले उसके आगे #MyQuestion जरूर लगाया करिए, जिससे कि मुझे उसे पढ़ने में और ढूंढने में आसानी हो। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोगों का आता है, लेकिन उसके आगे कोई भी प्रीफिक्स ऐसा नहीं लगा होता। और कुछ लोग बड़ा अजीब अजीब लगा देते हैं, कोई #dog लगा रखा के रखा है, कोई #doc लगा के रखा है, कोई #doctor लगा के रखा है, कोई #neha। प्लीज ऐसा कुछ मत करिए, सिंपल सा है #myquestion, ये आपको लगाना है और उसके बाद अपना सवाल पूछना है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट ना करते हो, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हफ्ते भर के आपके जो सवाल है उनके बारे में। अब पहला सवाल है एम कुमार जी का। एम कुमार जी जानना चाहते हैं, इन्होंने लगा दिया है #mam। प्लीज अपने सवाल के आगे #myquestion लगाइए। 2 साल से मेरे बाल सफेद हो गए हैं, क्या मैं इस प्रोडक्ट का, हिमालय प्रोडक्ट का यूज कर सकता हूँ? मैंने हिमालय की एक मेडिसिन आती है, क्रीम आती है, एंटी हेयर लॉस क्रीम, उसके बारे में रिव्यू किया था। उन्होंने एम कुमार जी ने उससे रिलेटेड सवाल पूछा है। देखिए, पहली बात तो वो जो क्रीम है वो एंटी फंगल के लिए है, यानी कि जब हेयर फॉल का जो रीजन है वो फंगस का होना है, डैंड्रफ हो रहा है या फंगस हो रहा है। लेकिन आपने बताया है कि आपके बाल सफेद हो रहे हैं, तो मुझे प्रॉपरली आइडिया नहीं है बाल सफेद होने पर कितना अच्छा काम करेगा, लेकिन डेफिनेटली इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा है। तो आप इसे ट्राई जरूर करें, और इफेक्ट पॉजिटिव हो तो कंटिन्यू यूज करिएगा, अगर इफेक्ट में न्यूट्रल लगे, कुछ इफेक्ट नहीं पड़े, तो फिर बंद कर लीजिएगा। मतलब डिसीजन आपको लेना है, मैंने कभी इस चीज के लिए ट्राई नहीं किया तो मैं कोई प्रॉपर एडवाइस नहीं कर सकती। हाँ, इसके बाद बहुत लंबा चौड़ा सवाल है गणेश नागपुरे जी का। #मुझे, #मेरी, #मुझे, #मेरी, पता नहीं कितना सारा हैशटैग लगाया है। प्लीज अपने सवाल के आगे #myquestion लगाइए, और जितनी प्रॉपर तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे तो उतनी जल्दी मैं आपका आंसर दे पाऊंगी। अब इन्होंने बहुत कुछ पूछा है। हस्त मैथुन करने की आदत है, आदत कम नहीं होती है, रोज रात को सोते समय, सुबह उठने के बाद, बहुत कुछ हस्त मैथुन से रिलेटेड। देखिए, पहली चीज तो साफ साफ क्लियर है, एडिक्शन किसी भी चीज का हो, चाहे वो ड्रग्स का एडिक्शन का हो, अल्कोहल का एडिक्शन हो, किसी पर्सन का एडिक्शन हो जाए, या हस्त मैथुन का एडिक्शन हो, या सेक्सुअल एडिक्शन हो, किसी भी तरीके का, सॉरी सॉरी, किसी भी तरीके का एडिक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा। और एडिक्शन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका होता है कि आप अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। आई एम सो सॉरी, हो सकता है आप ये मेरा आंसर सुनने के बाद मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दें या फिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग ना कोई मेडिसिन जानना चाहते हैं। मुझसे कई लोग क्लिनिक में भी ये चीज आके पूछते हैं कि मुझे शराब पीने की आदत है, कोई दवा बता दो जिससे शराब पीने की आदत छूट जाए, मुझे सिगरेट का पीने की आदत है, कोई छुड़वा दो, कोई मेडिसिन दे दो, कोई गोली दे दो, कुछ दे दो। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। मतलब ये जो डॉक्टर्स दावा करते हैं ना कि ये दवाई आप ले लो, सो कॉल्ड गुप्त रोग विशेषज्ञ होते हैं जो इस तरीके की फालतू चीजों की दावा करते हैं, उनसे कुछ नहीं होता, वो सिर्फ आपके पैसे लूटते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप ठीक तो होने वाले हो नहीं, ठीक हो गए नहीं तो एटलीस्ट 3 या 4 बार तक तो उन्हें दवाइयां दोगी, मतलब उनको पैसे दोगी। तो ये तरीका होता है, इससे कोई वो नहीं होने वाला, कंट्रोल आपको ही करना पड़ेगा और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने बोला कि सुबह उठने के बाद आपको हैबिट रहती है, उठने के बाद अकेले रहो ही मत ना, जैसे ही नींद खुलती है सुबह फ्रेश हो और जाओ घूमने, मॉर्निंग वॉक पे जाओ। मॉर्निंग वॉक पे जाओगे तो वहां इतने सारे लोग रहेंगे, वहां कहाँ आपको हस्त मैथुन करने का पहले तो ख्याल भी नहीं आएगा, और अगर ख्याल आ भी जाता है तो वहां टाइम कहाँ है, आप कहाँ करोगे वहां पर? तो ऑब्वियसली जब आपके पास जगह नहीं होगी तो आप कैसे करोगे? ये कंट्रोल धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा। रात को सोने से पहले आपको करने की आदत है, ग्रुप में सो, फैमिली में सो, अपनी मम्मी, अपनी बहन, अपनी सिस्टर और अपने मम्मी पापा, जो भी आपके परिवार के लोग हैं उनको साथ में रख के सो ना, उनके साथ में सो। जब उनके साथ में रहोगे, टाइम ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, तो फिर कहाँ से करोगे? शुरू शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, अनईजी लगेगा, हेडेक होगा, तबीयत खराब सी महसूस होगी। तो किसी भी एडिक्शन को छोड़ोगे तो ये सारे स्टेप तो आएंगे। जब आप इस चीज स्टेप को पार कर लोगे तो धीरे धीरे आपका कंट्रोल पावर है वो और ज्यादा अच्छी होती जाएगी। तो प्लीज ये कंट्रोल आपको ही करना पड़ेगा, इसको दूर करने की, हस्त मैथुन को दूर करने की कोई मेडिसिन नहीं आती, कोई सिंपल शॉर्ट स्वीट का तरीका नहीं होता। तो आई थिंक हस्त मैथुन पे इतना ही बता सकती हूँ आपको। एम कुमार जी का अगला सवाल है, पहला सवाल भी एम कुमार का, नो सॉरी, ये रिपीट हो गया, आई एम सो सॉरी। अगला हैदर हुसैन का। #myquestion, इन वीक हाउ मेनी डेज शैल आई अप्लाई? ये एंटी हेयर लॉस क्रीम के बारे में पूछ रहे हैं। उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो 3 महीने का है, मिनिमम ट्रीटमेंट 3 महीने का, मैक्सिमम 6 महीने का है।
और हफ्ते में 2 से 3 बार आपको इस्तेमाल करना है। और अगर रात को आप लगाकर छोड़ देंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर नहीं छोड़ सकते तो एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे के लिए तो लगाइए, उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। अगला सवाल है अंकुर श्रीवास्तव जी का, हैशटैग माय क्वेश्चन, व्हाट शुड बी दी आइडियल फ्रिक्वेंसी ऑफ इजैकुलेशन पर मंथ? इज इट नॉर्मल टू इजैकुलेट 1 टाइम पर डे? व्हाट इज द टाइम लिमिट बिटवीन नॉर्मल एंड एक्सेसिव? काइंडली गाइड मी ऑल, थैंक्स डॉग। फिर से अभी वही चीज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, कोई भी आइडियल टाइमिंग नहीं होती, कोई भी नहीं है। इट्स पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति की नई नई शादी हुई है, वो हनीमून पे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कई बार इजैकुलेशन करने वाले हैं। हनीमून पे जा रहे हैं, वो एक अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं अपने वाइफ के साथ में, तो डेफिनेटली वह होने वाला है। लेकिन अब यही चीज को आप हैबिट में बना लो, कोई मतलब एक रूल नहीं होता इन सारी चीजों का, लेकिन समझना पड़ेगा कि क्या आपके लिए आइडियल है। अगर आपको सेक्सुअल एक्टिविटी से या फिर मास्टरबेशन वगैरह करने से बैकएक होने लगा है, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है, इरिटेशन हो रही है, एडिक्शन हो रहा है, तो फिर वो आपके लिए आइडियल फ्रिक्वेंसी नहीं है। आप हेल्दी है, नॉर्मल है, आपकी अपनी पार्टनर के साथ में लाइफ अच्छी चल रही है, मतलब उनको भी कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा नहीं कि आप उनको यूज करें, उनको भी कोई तकलीफ नहीं है, तो सब कुछ नॉर्मल है। कोई मतलब क्या बताऊँ, ये कोई लिमिट थोड़ी है, किसी बुक में नहीं लिखा होता कि क्या लिमिट होती है। ये आपको डिसाइड करना है, आपके जो पार्टनर है उसको डिसाइड करना है, ठीक है। अगला सवाल, आप एम कुमार जी का, डॉग आप जैसे हो तो फुल एनर्जी के साथ ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हो, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगता है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग बुरे कमेंट भी करते हैं, पर मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास जितने कमेंट आते हैं उनमें से मोर देन 95%, मैं 95% बोल रही हूँ, अच्छे कमेंट होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वसीम पटियाली जी ने बहुत लंबा चौड़ा सवाल किया है, लेकिन वसीम पटियाली जी, जो आप सवाल पूछते हैं ना, उसके आगे डॉट कॉमा ऐसा कुछ लगाया जाता है। अब मैं इसके ऊपर क्या पढ़ू, #MyQuestion, पट की फत कम करना का इलाज, डॉट वसीम पयासली। देखिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया सीरियसली, तो आई होप आप अगला सवाल जब पूछेंगे तो प्लीज उसमें डॉट और कॉमा का इस्तेमाल करें, जिससे आप पढ़ने में थोड़ी आसानी हो, आप क्या पूछना चाह रहे हैं वो चीज मुझे अच्छे से समझ में आए। कमेंट करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, आई होप आप अगली बार फिर से कमेंट करेंगे। जोगेंद्र रजत, इन्होंने सवाल किया है, मैम आपने जो 3 दवाइयां बताई है हेयर फॉल के लिए और एक्ने के लिए, शायद एक्ने के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर कमेंट है ये इनका, कि जो मैंने मेडिसिन बताई थी आरोग्यवर्धिनी महामंजिष्ठ आदि खजारे स्टॉप, पता नहीं मैंने कौन सी चीज बताई थी, मैं कुछ भूल गई, लेकिन हाँ जो भी मैंने उस मेडिसिन में बताया था, वो पूछना चाह रहे हैं कि इसके साथ में CTZ और LMD टेबलेट ले सकता, LMDF टेबलेट ले सकता हूँ, प्लीज बताओ। देखिए एलोपैथी की जितनी दवाइयां होती है उसमें क्या होता है, उनका एक ब्रांड नेम होता है जो कंटेंट से बिल्कुल अलग होता है। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि फेक्सी में क्या कंटेंट है, फेक्सॉल में क्या कंटेंट होता है, स्टफॉक में क्या कंटेंट होता है, तो कोई भी व्यक्ति नाम सुन के कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि हर एरिया की अपनी मेडिसिन होती है। यहाँ तक कि खुद डॉक्टर अपने खुद की दुकान पे एक पर्सनल मेडिसिन रखता है जिसका नाम कोड वर्ड में होता है, जो उसी को पता होता है, और जो दुकान वाला है, जो शॉपकीपर है, उसको पता होता है। हैंडराइटिंग भी डॉक्टर की बहुत स्पेसिफिक होती है कि जिस शॉपकीपर के पास जाएगा वही उसको समझ पाएंगे, ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते। तो कहता है ना डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग बहुत खराब होती है, तो वो खराब नहीं होती, वो कोड वर्ड में होती है, तो इसलिए बहुत लोगों को समझ में नहीं आती। तो ऐसे ही कुछ है, CTZ जो आपने बताया ये तो बहुत ही फेमस ब्रांड है, ऑल ओवर इंडिया में चलता है, सिट्रिजन का है, तो सिट्रिजन तो आप ले सकते हैं। और बाकी ये LMDF टैबलेट कौन सी है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। आई होप आप प्लीज अगली बार जब भी मुझे भेजें तो उसका जो पीछे का कंटेंट होता है, आप जब भी कोई मेडिसिन को पीछे की साइड में देखेंगे तो उसमें कंटेंट लिखा रहता है, कंटेंट इक्विवेलेंट टू सिट्रिजन, ऑफ्लॉक्सिसिन या कुछ भी, उसका जो भी कंटेंट है वो उसमें लिखा रहता है, उसकी डोज लिखी रहती है, तो प्लीज वो चीज मुझे मैसेज करें तो मैं समझ पाऊंगी प्रॉपर तरीके से। राम सुख जी ने लिखा है, थैंक यू मैम फॉर वीडियो, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा सीना चेस्ट लड़कियों की तरह बाहर निकला हुआ है, इस बीमारी का क्या इलाज है? देखिए सीना बाहर निकलना, आदमियों में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ये 2 डिसीज हो सकती है। पहली चीज तो आपको मोटापा आ रहा है, क्योंकि तो अगर आप मोटे हो रहे हो, अगर आपकी तौंद निकल रही है, अगर आपके हिप्स बड़े हो रहे हैं, आपकी थाइज में मोटापा आ रहा है, तो फिर आपको चेस्ट में भी मोटापा आएगा। मतलब जितने मोटे आदमी होते हैं उनकी ब्रेस्ट भी हो जाती है साथ में धीरे धीरे। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो उसका एक ही तरीका है कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें,
मैं एडवाइस करूंगी कि 1 महीने के लिए कोई जिम ज्वाइन कर लें, जहां पर जाकर आप जिम ट्रेनर से प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका ले सकें, प्रॉपर एक्सरसाइज सीख सकें। हमेशा अगले 6 महीने 1 साल के लिए नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट 1 महीने के लिए जरूर जिम ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको ये कंडीशन नहीं है, आप पूरे ऑल ओवर थिन है, फिट है, लेकिन सिर्फ ब्रेस्ट आपकी डेवलपमेंट हो रहा है, तो फिर डिसीज कहलाती है गायनेकोमेस्टिया, जिसमें आदमी के अंदर जो पेक्टोरिस मसल है, मतलब जिसकी वजह से ब्रेस्ट बनती है, उसमें एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होने लगता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है, तो उसको आपको सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से ही ट्रीट करना पड़ेगा, इसकी कोई मेडिसिन नहीं आती। अगला सवाल है समीर खान का, हैशटैग माई क्वेश्चन, मैम यार आप एमपी वालों की वॉइस वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है, ऐसा मेरा खुद को मुझे फील होता है, बट आपको अच्छी लगती है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोरी गोरी वाला नाइस सिंगिंग, पहली बात तो मैं सिंगिंग कर ही नहीं सकती, इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। मतलब मैं दुनिया की सारी चीजें कर सकती हूँ, मतलब कोई बोले कि आसमान से जाके कूदना है, तो मैं शायद वो कुछ कर लूँ, सब ट्राई कर लूँ, हाँ प्रिकॉशन के साथ, ऐसा नहीं कि कूद जाऊँ, मतलब बंजी जंपिंग ट्राई कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे पता है मैं बहुत एडवेंचरस इंसान हूँ, लेकिन सिंगिंग इम्पॉसिबल है मेरे लिए, इट्स इम्पॉसिबल। तो वो जो मैंने बोला था, वो उसका सिर्फ आगे की लाइन थी, बाकी और कुछ नहीं था। तो थैंक यू सो मच, आपने अप्रिशिएट किया, आपने नोटिस किया, उसके लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद, और थैंक यू। कपिल चौधरी का, व्हाट इफ ए पर्सन मस्टरबेट बट डोंट एजेकुलेट, अगर एजेकुलेशन ही नहीं है तो मस्टरबेशन करने का फायदा क्या है, मतलब कोई क्यों ऐसा करेगा, कोई ओपिनियन, मतलब कुछ फैक्ट ही नहीं बनता उसका। सम ट्यूमर्स आर देयर, इट लीड्स टू टेस्टिकुलर रिलेटेड प्रॉब्लम, ईटीसी, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर। मस्टर्बेशन मैंने कितनी बार बता चुकी हूँ, ज्यादा करेंगे तो आपको सारी प्रॉब्लम होंगी, पेनिस रिलेटेड होंगी, टेस्टिस रिलेटेड होगी, साइकोलॉजिकल होंगी, हार्मोनल होंगी, या पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम होगी, अगर आपको इसका एडिक्शन है तो। अगला सवाल है विपिन पंडित जी का, हैशटैग माई क्वेश्चन, डॉक्टर नेहा जी, इन्होंने हैशटैग माई क्वेश्चन में स्पेस लगा दिया, स्पेस नहीं लगाना होता है, डायरेक्टली हैशटैग बनाइए, उसके बाद माई लिखिए, MY, फिर बिना स्पेस दिए क्वेश्चन लिखिए। नेहा जी, मेरा वेट बहुत कम हो गया है लास्ट 1 ईयर से, मैं कोई गलत सप्लीमेंट लेना नहीं चाहता, प्लीज आप कुछ एडवाइस करें, आई एम 31 ईयर ओल्ड, शादी हो चुकी है 3 साल पहले, वेट बढ़ाने के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज करें। लोगों का बहुत गलत मिसकॉन्सेप्शन है कि एक्सरसाइज करने से वेट लॉस होता है, ऐसा नहीं होता, एक्सरसाइज करने से भी आपका वेट बढ़ता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, अगर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपके जो न्यूट्रिशन है बॉडी का, वो सारे होल ओवर बॉडी के छोटी से छोटी सेल में जाएगा। तो प्लीज सबसे पहली चीज तो एक्सरसाइज करें, उसके बाद प्रॉपर डाइट लें। डाइट में चूंकि आप वेट बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मिल्क जरूर लें, कम से कम दिन में 2 ग्लास मिल्क आपको लेना चाहिए अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो। उसके बाद थोड़ा सा खोवे का इस्तेमाल करें, खोवा जानते हैं ना, जिसकी मिठाई बनती है, खोवा दूध से बनाते हैं, जो खोवे से वजन बहुत जल्दी बढ़ता है, तो आप दोनों टाइम खाना खाने के बाद 1 से 2 चम्मच खोवा शक्कर मिला के या नारियल मिला के इसके साथ में आप लेना चालू कर दें, मात्र 2 चम्मच लेंगे तो भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा प्रोटीन पाउडर, कोई भी मार्केट में जितने भी प्रोटीन पाउडर आते हैं, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोया प्रोटीन ले सकते हैं, प्रोटीन एक्स वाला प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, और अलग अलग ब्रांड के, हिमालय का बहुत अच्छा आता है पर बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा वेट बढ़ाने के लिए कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं होती है, कुछ नहीं लेना है आपको, प्रोटीन डाइट लेनी है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, और खाने में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें घी, दूध और खोवे का इस्तेमाल ज्यादा करें, लेकिन सब्जी रोटी को रिप्लेस करके नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं करना है कि आप सब्जी खाना बंद कर दें, रोटी खाना बंद कर दें और सिर्फ दूध और दूध लेते रहें, तो फिर आपको नुकसान होगा। प्रॉपर डाइट लेनी है, रोटी सब्जी दाल चावल सलाद फ्रूट, इसके अलावा दूध का इस्तेमाल करें, खोवे का इस्तेमाल करें, घी का इस्तेमाल करें, ये 3 चीजें करें, साथ में एक्सरसाइज जरूरी है, विदाउट एक्सरसाइज करोगे तो कार्डियो प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट वार्ट की प्रॉब्लम लग जाएगी, किडनी विडनी पे लोड पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है। और दिन में पानी खूब पिया करें, जितना ज्यादा पानी पियेंगे उतना आपका बॉडी है वो कूल डाउन रहेगी, बॉडी कूल डाउन रहेगी तो वेट आपका बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, जितने सवाल मैंने हाईलाइट करके रखे थे वो सारे सवाल हो गए हैं, आई होप जितने भी लोगों ने मुझसे सवाल किया और सभी को आंसर मिल गया हो, अगर मैंने किसी कारण से आपके सवाल का आंसर नहीं दिया तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, प्लीज अपने सारे सवाल के आगे हैशटैग माई क्वेश्चन जरूर लगाइए, और अगले संडे मैं आपसे लाइव बात करूंगी, तो जितने भी आपके सवाल है उनका लाइव आंसर देने की कोशिश करूंगी, तो प्लीज रात को 9 बजे अगले संडे, नेक्स्ट संडे, ये आज संडे है,
नेक्स्ट संडे रात को 9 बजे प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आइएगा, हम लाइव में डिस्कशन करेंगे, आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, वीडियो रिलेटेड क्वेरीज को भी आपको सॉल्व करूंगी और कुछ आपके जो नए सवाल आएंगे उनका भी आंसर दूंगी। तो प्लीज मेरे अगले संडे को जरूर लाइव आइएगा और तब तक मेरे वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग प्लीज सब्सक्राइब करो। यार क्या कर रहे हो, मेरी सब्सक्रिप्शन रेट एकदम से बढ़ी फिर रुक गई, इट्स सो इरिटेटिंग। प्लीज ओके, बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी, गुड बाय।